होली का त्यौहार बीतने के साथ ही राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कल 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित किया। इन सीटों पर नामांकन का मंगलवार को यानी कल आखिरी दिन था। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 30 मार्च यानी कल चूरू भीलवाड़ा और राजसमंद जिले के दौरे पर रहे थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित भी किया। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से हेलीकॉप्टर से सुबह रवाना हो गए थे। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी अजय माकन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट भी उनके साथ में नजर आ रहे थे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने सुजानगढ़ सीट पर मनोज कुमार मेघवाल को उतारा है, जो कि मास्टर भंवरलाल के बेटे हैं। मास्टर भंवरलाल मेघवाल अशोक गहलोत की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, जिनके निधन से सीट खाली हो गई थी। पार्टी ने सहाड़ा सीट पर गायत्री देवी को प्रत्याशी बनाया है, जो इसी सीट से पूर्व विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी है। त्रिवेदी के निधन से ये सीट खाली हुई है। वही राजसमंद सीट से बीजेपी के विधायक किरण महेश्वरी के निधन से यहाँ पर सीट खाली हुई है। कांग्रेस ने यहाँ पर अपेक्षाकृत नए चेहरे तनसुख बोरा को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने बताया है कि प्राप्त सभी नामांकन पात्रों की 31 मार्च की जांच की जाएगी, जबकि 3 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 17 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 मई को कराई जाएगी। इससे पहले सोनिया गांधी और कांग्रेस आलाकमान साथ ही अजय माकन ने भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एकजुट करने के लिए काफ़ी मशक्कत की थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।